गेमर्स, तो कैसे हम सभी लोग? अच्छा करता हूँ, आप सब बड़े होंगे, आगे भी बढ़े रहना। तो आपको थंबनेल टाइटल देख के पता पड़ गया होगा आज अपन बात करने वाले हैं। कल मैंने बात की थी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, आज अपन बात करने वाले हैं मिस्टेक्स के ऊपर जो कि आप लोग और हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक है अपनी, अब गाइस देखो, आप लोग हर एक किसी बंदे को क्या करते हो, रश कर देते हो सीधा, और आप देखते नहीं हो कि उधर कितने बंदे हैं। आप यही मिस्टेक करते हो, आप क्या करते हो, सीधा घुस जाते हो बंदे में। अगर आपने एक बंदे को 198 का डैमेज दिया है तो आप क्या करते हो, सीधा घुस जाते हो। तो आपको कभी ऐसे नहीं करना है, पहले सब बंदों की पोजीशन देख लेनी है कि कोई बंदा उसके पास है या नहीं, कहाँ पे पोजीशन है, जैसे आप उस बंदे को मार सको। ऐसे नहीं आप आगे जाओ और मर जाओ। और अपनी सेकेंड टिप तो बता दो मिस्टेक टू, देखो आप कभी भी स्कैलर यूज़ करते हो ना, तो क्या करते हो, पहले आप है ना रेस छोड़ते हो, फिर उसके बाद फायर करते हो। पहले आपको क्या करना है, रेस छोड़ते हो और वैसे के साथ ही फायर कर देना है। ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, जो बंदा जल्दी जल्दी, जिसको आदत है, मतलब जो पहले स्कैलर यूज़ करता था, देखो स्कैलर तो सब यूज़ करते थे, फ्री में मिला था, तो बंदे लोग है ना क्या करते, जैसे स्कैलर आता है, मतलब हीलिंग करते करते देखते, जैसे स्कैलर आता है वैसे वो लोग ग्लू वॉल लगा देते। तो वैसे टाइम पे ना अपन को एक भी गोली मारने का चांस नहीं मिलता और बंदे ना ग्लू वॉल लगा देते। तो उस वजह से ही अपन को स्कैलर मारते के साथ ही मतलब फायर करना है, भले गोली नहीं लगे, ना लगने से कम एक दो गोली तो लग ही जाएगी। कभी भी अगर आप लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो तो आप लोग क्या करते हो, हाइट के एडवांटेज पे चले जाते हो, लेकिन जो आपके प्लेयर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कोई बंदा नॉक होए। लेकिन अगर कोई बंदा नॉक होता है तो उसके टीममेट्स पास में होते हैं और वो बहुत जल्दी रिवाइव हो जाता है। इस वजह से आपको आपके टीममेट्स 3 आ जाते हैं लेकिन वो लोग 4 होते हैं, इसके लिए वो मर जाते हैं। लेकिन कभी भी क्या करना है ना, डैमेज देने के साथ ही चले जाना है, क्योंकि अगर डैमेज दोगे तो फिर उन लोग को लगेगा, मतलब थोड़ा पैनिक नहीं होंगे, फिर वो लोग ओपन में आएंगे, ओपन में आके फिर आप एक दो जनों को डाउन भी कर सकते हो। आप लोगों को कोई बंदा डैमेज देता तो आप लोग कैसे करते हो, ग्लू वॉल लगाते हो और मतलब हीलिंग करना स्टार्ट कर दो। तो आपको नॉर्मली सब करते, अगर आप ऐसे नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, जैसे डैमेज देते हो वो बंदा क्या है, रश पे होता है, वो टाइम पे उसको लग रहा होता है कि मैं आप मतलब हीलिंग करो एनिमी को, जिसने डैमेज दिया उसको लगता है कि आप हीलिंग करो, वो टाइम पे सही मतलब चांस होता है उस बंदे को मारना। वो टाइम पे क्या होता है ना, वो अपने साइड जाता रहता है तो हेडशॉट लगने के ज़्यादा चांसेस है। आप लोगों को है ना रैंडम के साथ खेलना है, लेकिन देखो मतलब है ना अपना माइक ऑन नहीं रखो, लेकिन जो अपना स्पीकर है वो ऑन रखो, उससे क्या होगा ना, मतलब बहुत लोग क्या, वो बंदे भी ऑफ रखेंगे देखो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो लोग ऑन करेंगे, रिवाइव देंगे वगैरह वगैरह, बंदे मेरे इधर इतने उतरे, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों माइक ऑफ करोगे तो आपको आगे पता ही है रैंडम प्लेयर्स क्या करते हैं, वही होने वाला है। अच्छे होते हैं तो भाई सही होते हैं, और अगर अपने स्क्वाड है तो अपने स्क्वाड के साथ ही खेले करो भाई, रैंडम के साथ क्या ही खेलने में मजा है। मैं भी अपने स्क्वाड के साथ ही खेलता हूँ, ज़्यादा कर खेल लेता हूँ मैं रैंडम्स के साथ, क्योंकि यार देखो मेरी स्क्वाड आती है 10:30 के बाद ऑनलाइन, तो मेरे को दिन में भी खेलना रहता है, वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, लाइव स्ट्रीम करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ ना, मैं रैंडम के साथ खेल लेता हूँ, उन राय ये लोग के साथ खेल लेता हूँ मैं, तो उस वजह से मेरा थोड़ा हो जाता है यार सही। और अपनी सिक्स्थ मिस्टेक है, आपको कभी भी रैंडम के साथ खेलना तो लॉन्ग रेंज प्लेयर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि देखो शॉर्ट रेंज में जाओगे आप, आपको क्या होएगा ना, मतलब आप शॉर्ट रेंज में जाओगे बंदे मार देंगे, देखो आप 2-3 को नॉक करोगे मिनिमम, भाई 3 को नॉक करोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो वेस्ट होगी बंदों के पास। तो मतलब जिसने मेरी वीडियो देखेगी, जिसने दूसरे की वीडियो देखेगी, जिसको खुद भी पता है वेस्ट से सही काम है, तो वो तो वेस्ट लेगा देखो। और अगर तुमको रैंडम के साथ ही पुश करना है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुमको लॉन्ग रेंज प्लेयर बनना है रैंडम के साथ, क्योंकि देखो तुम अगर उनको रिवाइव दोगे तो वो तुम्हें रिवाइव देंगे, ऐसा नहीं है भाई तुम उनको लॉल वॉल दिखाओगे और वो तुम्हें रिवाइव दोगे, ऐसा नहीं होने वाला, या तुम उसको रिवाइव नहीं दोगे वो तुम्हें देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। रैंडम ही होता है, बहुत तरह के रैंडम होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ, जैसे तुमको पता ही है। तो भाई वैसे ही अभी तुम लोग को बता दूँ मैं, तो आपको है ना हमेशा लॉन्ग रेंज प्लेयर रहना है, क्योंकि आप लॉन्ग से उनको कवर दे सकोगे, फिर वो लोग अच्छे प्लेयर बोल के आपको रिवाइव भी करेंगे, ये सही बात है ना भाई। और 7 मिस्टेक है जो आप करते हो सीएस में, मैंने देखो 6 तो की बताई है कि आप करते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये भी बता रहा हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बस मैं मिस्टेक बता रहा हूँ, जितनी इधर मिस्टेक है उतनी इधर टिप्स है। कभी आप सोचो भाई बस मिस्टेक बता रहे हैं, लेकिन मैं थंबनेल में टाइटल में तो यही डाल दूंगा, थंबनेल टाइटल में मिस्टेक्स।
और कुछ नहीं भाई, क्योंकि वीडियो ही उसपे ऊपर है। मैं बता रहा हूँ बस ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स ही बता रहा हूँ मैं जो आप लोग करते हो। ओके देखो सब बता रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अभी तक देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके प्रेस कर दो। 5 मिनट की वीडियो थी यार, मुझे भी नहीं पता पड़ा, मेरे को लगा मतलब बनेगी ज़्यादा बड़ी वीडियो, तो मैंने एक और वीडियो डाउनलोड कर ली। कोई ना कोई ना यार, अभी मैं अभी क्या कर सकता हूँ। अगर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर प्रेस कर दो। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर इतनी वीडियो डालेगा, इतनी वीडियो डालेगा, यूट्यूब ने सोची ना होगी। तो भाई तुम भी यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो, ये भी आपके ऊपर है। क्रेडिट टी ई किलर।